रोशनी तो तमाम सितारों की चमक समय समय पर बिखरती रही है, लेकिन इनमें भी कुछ इतनी विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं जिनका नाम ही अपने आप में एक दौर समेटे हुए होता है। असम रत्न से सम्मानित होने के बावजूद यह हस्ती न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समझे संसार के विश्व रत्न से कभी कम नहीं थे। नमस्कार, मैं फरा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक ऐसे प्रोग्राम में जिसमें हम आज हम भारत रत्न भूपेन हजारिका के बारे में बात करेंगे। भारत सरकार ने भूपेन हजारिका को मरणोपरांत देश के सबसे बड़े सम्मानित यानी भारत रत्न से नवाजा है। भूपेन हजारिका का नाम लेते ही दिमाग में उनकी तमाम छवि उभरने लगती है, मसलन गीतकार संगीतकार के साथ साथ शानदार गायक। इन तमाम काबिलियत की बदौलत ही भूपेन हजारिका को दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम सांस्कृतिक दूतों से माना गया। तो चलिए आज इस कार्यक्रम के जरिए भूपेन की जिंदगी से जुड़ी तमाम बातों से आपको रूबरू कराते हैं। कला के क्षेत्र में अपना अनमोल योगदान देने वाले भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के शदिया में हुआ था। भूपेन के पिता का नाम नीलकांत हजारिका था, साथ ही भूपेन की मां का नाम था शांति प्रिया हजारिका। भूपेन हजारिका के 7 भाई और 3 बहनें थी। वहीं भूपेन हजारिका की शिक्षा गुवाहाटी के सेड़ा राम हाई स्कूल से 1940 में तेजपुर से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। यही वही दौर था जब उन्होंने 1942 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक में दाखिला लिया। इसके बाद 1946 में इसी विश्वविद्यालय से भूपेन ने स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। इसके बाद वो पीएचडी के लिए अमेरिका गए थे और 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल भी की थी। अभी भूपेन हजारिका की उम्र महज 23 साल ही की थी। 1950 में 1 अगस्त को न्यूयॉर्क शहर में प्रियम पटेल के साथ उनका विवाद हो गया। प्रियम काम्पला युगांडर के प्रसिद्ध चिकित्सक मूलजी भाई पटेल और उनकी पत्नी मणिबहन पटेल की बेटी हैं। इनका मूल निवास स्थान गुजरात है। वहीं भूपेन हजारिका एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न वाले कलाकार थे। बचपन से ही उनकी प्रतिभा दिखने लगी थी क्योंकि उन्होंने अपना पहला गीत सिर्फ 10 साल की आयु में ही लिख लिया था। असीमा भाषा की फिल्मों से भी उनका नाता बचपन में ही जुड़ गया। उन्होंने असमिया भाषा में निर्मित दूसरी फिल्म इंद्रमालती के लिए महज 12 साल की आयु में काम किया। सुर सम्राट हजारिका ने करीब 70 साल तक अपनी आवाज का जादू पूर्वोत्तर से लेकर बॉलीवुड तक खूब बिखेरा। हजारिका ने गीत संगीत से बाहर निकलकर एक फिल्म का निर्देशन भी किया। भूपेन ने इराबतर सुर से फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। भूपेन के गंगा नदी पर लिखे और गाए गीत काफी मशहूर हुए। हजारिका ने बंगाली असमिया और हिंदी समेत तमाम भारतीय भाषाओं में गीत गाए। बॉलीवुड फिल्म रुदाली के गीत दिल हूं हूं करे के जरिए हजारिका हिंदी फिल्म जगत में पूरी तरह से छा गए। इसके अलावा हजारिका ने दमन फिल्म में गुमसुम गाने को भी अपनी आवाज दी। भूपेन ने मैं और मेरा सैया एक कली दो पत्ते हाँ आवारा हूँ उस दिन की बात है जैसे कई हिंदी गानों को भी अपना सुरीली आवाज दी। ओ गंगा बहती है क्यों को भी उन्होंने अपनी आवाज देने के साथ ही संगीत भी दिया। बिहू के गीतों को तो भूपेन हजारिका की आवाज ने मानो अमर कर दिया है। यही नहीं, गांधी टू हिटलर फिल्म में महात्मा गांधी के प्रसिद्ध भजन वैश्वण जन को भी भूपेन ने अपनी आवाज दी। हजारिका ने सुरकृति एक पल सिराज प्रतिमूर्ति दो राहे साज गजा गज गमीनी दमन क्यों और चिंगारी जैसी कई हिंदी फिल्मों में अपना आवाज का जादू बिखेरा। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने सुकृति और सिराज जैसी हिंदी फिल्मों का शानदार निर्देशन भी किया। आपको शायद ये बात नहीं पता हो कि हजारिका ने हिंदी फिल्म में एक पल में बतौर अभिनेता के तौर पर भी काम किया था। ये बात भी खास चर्चित रही कि दो दो बार पद्मश्री सम्मान लौटाने के बाद तीसरी बार उन्होंने ग्रहण किया था। चमेली मेम साहब के संगीत के लिए उन्हें राष्ट्रपति का सम्मान भी मिल चुका है। हजारिका को असमिया फिल्मों उनके अभूतपूर्ण योगदान के लिए 1992 में सिनेमा जगत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। उन्हें 1975 में राष्ट्रीय पुरस्कार क्षेत्रीय फिल्म 2001 में कला क्षेत्र में पद्म भूषण असम रत्न 2009 और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 में दिए गए। फिलहाल हजारिका को मरणोपरांत
2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 5 नवंबर 2011 ये वो दिन था जब मुंबई के कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में इस महान शख्सियत ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। फरा खान, नेक्स्ट 9 न्यूज। भूपेन के अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक नानाजी देशमुख को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। खैर, अगर प्रतिभा की बात की जाए तो यकीनन भूपेन हजारिका के अंदर अद्भुत कलाएं मौजूद थी। वो न सिर्फ अच्छे गायक थे बल्कि बेहतरीन संगीतकार भी रहे। गीतों को लिखने में उनका कोई तोड़ नहीं था। फिल्मों का निर्देशन करना भी उन्हें खूब अच्छा लगता था। बहरहाल, कहना गलत नहीं होगा कि भूपेन हजारिका जैसे महान हस्ती का जन्म सदियों में एक ही बार होता है। तो कैसा लगा आपको हमारी ये खास पेशकश, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।